चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मास कैपिटलम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एट पी। ठीक है, पी पॉइंट पे सस्पेंड किया गया, एज शोन इन द फिगर। अनदर रोप इज टाइड एट द एंड क्यू, क्यू एंड पे। ठीक है, एंड इट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली, ये फोर्स लगाया जाए ट्राई पुल करने के लिए विद अ फोर्स एफ। इफ द रोप पी क्यू, पी से क्यू यहां तक का, मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ये एंगल थीटा है। ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग पी क्यू कितना होगा, पी क्यू स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। हम टी इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये टी कंसिडर कर लेते हैं, और इसके थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर होगा, तो इधर का कॉम्पोनेंट होगा टू टी कॉस थीटा, और इधर का कॉम्पोनेंट होगा टी साइन थीटा। करेक्ट है, तो टी साइन थीटा फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो t sin थीटा इज इक्वल टू f, और ऊपर वाला फोर्स t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, नीचे अगर कोई थ्रेड t डैश कंसिडर कर लें, t डैश, तो वो t डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमको क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, और f के टर्म में ही सारे कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो t इज इक्वल टू f बाई sin थीटा, इसको आप f बाई sin थीटा भी लिख सकते हो, f बाई cosec थीटा भी लिख सकते हो, तो जो भी ऑप्शन सही हो वो देख लो। T by sin theta is appropriate option, यहाँ B में दिया हुआ है, इसलिए यही option ज़्यादा appropriate है। Next question करते हैं।